हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वियतनाम की। वियतनाम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना, हर कोई आज की डेट में वियतनाम जाना चाहता है। और खासकर ये इंडियंस के बीच में बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे इंडियंस आज की डेट में वियतनाम जा रहे हैं। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि वियतनाम जाना इतना आसान हो गया है ना, डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, 5 घंटे की, वीज़ा इतना ईजी है, तो सब कोई प्लान कर रहा है। वैसे तो वियतनाम सीरीज़ के हमने सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल दिए हैं, जो जो भी हमने वियतनाम में किया, पूरी ही हमने डे बाई डे वीडियोज़ वहाँ पर डाले हैं। लेकिन जब तक हम बजट वीडियो या फिर आइटनरी वीडियो नहीं डालेंगे, तब तक सीरीज़ कंप्लीट कैसे होगी, राइट? सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वियतनाम जाने का एक रियलिस्टिक बजट क्या है। मैं वर्ड आप मेरा ध्यान से सुनिएगा, रियलिस्टिक बजट, ठीक है? तो क्योंकि बहुत सारे हमको इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आए थे कि थोड़ा बजट के बारे में बताइए, कैसे है कैसे नहीं, तो आज का वीडियो हम बजट के बारे में रखते हैं। तो बजट कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अपना, हमने जो ट्रिप किया उसका बेस लूँगा और उसके इर्द गिर्द तीन अलग अलग टाइप के बजट दूंगा। जी हाँ, तीन अलग अलग। तीन अलग अलग मतलब जैसे हम 2 जन गए थे एज अ कपल, तो मैं आपको तीन क्या दूंगा, एक दूंगा अगर आप सोलो ट्रेवलर हो, सस्ते में करना चाहते हो। दूसरा एक आइडियल बजट, यानी कि सस्ते में एक नॉर्मल बजट में आप कैसे कर सकते हैं। और तीसरा जो हमने किया, यानी कि क्योंकि अभी हमारा ट्रैवलिंग स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो वी डोंट माइंड स्पेंडिंग लिटिल एक्स्ट्रा ऑन द कन्वीनियंस, राइट? और ये जो मैं आपको बजट बताऊंगा, ये तकरीबन 9 से 10 दिन का ट्रिप होगा, क्योंकि वियतनाम एक बहुत लंबी कंट्री है, राइट? तो 9-10 दिन तो एक आइडल होने ही चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बजट में सबसे पहले जो मेजर खर्चा आता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपने सही गेस किया होगा, फ्लाइट। तो फ्लाइट्स की बात करूं तो आपको, सबको मालूम होगा शायद कि यहाँ से इंडिया से अभी डायरेक्ट फ्लाइट चलती है वियतनाम के लिए, जो कि है वेट जेट की। तो वेट जेट की जो फ्लाइट है, मैं आपको यही बोलूँगा कि 2-3 महीने पहले तो आप उसको बुक करके रखें, ठीक है? तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको तकरीबन, जब हमने बुक किया तो वो 14 से 16 हज़ार की रेंज में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ आपको 7 किलो का केबिन बैगेज मिलेगा, आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलेगा। अगर आपको बैगेज अलग से चाहिए तो आपको वो बुक करना पड़ेगा। अब बुक करने के लिए भी मैं आपको बता दूं, लास्ट मोमेंट पे एयरपोर्ट पे मत बुक करिएगा, महंगा पड़ेगा। जैसे ही आपने फ्लाइट बुक कर ली, आपको लग रहा है कि आपका बैगेज ज़्यादा है, तो आप तभी बुक कर लिए, आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे हमने किया, हमने 15 किलो का एक्स्ट्रा बैगेज लिया था, जो कि 1350 रुपये का एक्स्ट्रा पड़ा था। और अगर वही मैं बाद में करूँगा, यानी कि फ्लाइट जब मेरी शेड्यूल है उससे 4 दिन 5 दिन पहले, तो वो प्राइस थोड़ा महंगा हो जाएगा। जितना जल्दी बुक करेंगे उतना सस्ता मिलेगा एयरपोर्ट पर, और महंगा मिलेगा, तो वो फिर 2000-2500 भी जा सकता है। तो एक टिप थी कि आप पहले बुक करें। अभी मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, पर हेड वाइज आपको एक्सपेंस बताता जाऊँगा, और लास्ट में जब ये वीडियो के मैं सारे अंदर सारे हेड्स आपको एक्सपेंसेस बता दूंगा, तो एक स्क्रीन पे कंपैरिजन करके दे दूंगा तीनों का, कि सोलो का टोटल कितना बनता है पर एक्टिविटी या पर हेड वाइज, एंड कपल का कितना बनता है, और हमने एक्चुअल में कितना खर्च किया। तो ये थी फ्लाइट्स की बात। अभी फ्लाइट्स के बाद बात करते हैं वीज़ा की, क्योंकि ये भी एक फिक्स कॉस्ट है। आप 10 दिन के लिए जाएँ या फिर 5 दिन के लिए जाएँ, वीज़ा तो आपको लगना ही है। वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है 25 USD, यानी कि तकरीबन 2000 या फिर 2100 ये आपको लगेगी। और वीज़ा बहुत इजी है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कुछ भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमने चैनल में डाला है, वो सबसे पहला वीडियो है हमारी सीरीज़ का, उसका लिंक भी हम दे देंगे और आई बटन में भी आ रहा होगा, ठीक है? तो वीज़ा बहुत ईजी है। इसमें भी एक टिप देता हूँ, वीज़ा भी आप टाइम रहते अप्लाई कर लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो टाइम है वीज़ा आने का वो है 3 दिन, लेकिन कई बार टाइम लग जाता है। ऑल दो हमारा जो वीज़ा है वो डॉट 3 दिन में आ गया था, मेरा भी और स्नेहा का भी, लेकिन बहुत सारे मैंने फिर लोगों का सुना है कि उनका डिले हो जाता है 7-7 दिन, 8-8 दिन या फिर 10 दिन, और वो लोग पहले ही, यानी कि अपने जो उनकी ट्रिप की डेट होती है उससे 15 दिन पहले ही वो वीज़ा लेते हैं, तो फिर वो थोड़ी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एडवांस में बुक कर लें एटलीस्ट 15-20 दिन, ताकि थोड़ा डिले भी होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये रही बात वीज़ा की। अब इसमें भी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे ना, तो उसमें पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्जिट होता है, राइट? तो इसमें क्या चीज़ है, जैसे कि आप कौन से एयरपोर्ट से, कौन सी सिटी से वियतनाम में एंटर करने वाले हैं और एग्जिट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वियतनाम काफ़ी लंबी कंट्री है, जैसे कि लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो मेजर दो सिटीज़ हैं, अब हनोई और होचीमिन। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लाइट लेते हैं इंडिया से कहीं से भी, यानी कि दिल्ली मुंबई हो गया, वहाँ से जाएंगे हनोई, हनोई से फिर जाते हैं होचीमिन, और होचीमिन से वापस इंडिया आते हैं। ज़्यादातर लोग ये करते हैं, या फिर दूसरा भी करते हैं वाइस वर्सा, यानी कि इंडिया से होचीमिन, हनोई और देन वापस।
यानी कि आप कैसे भी रूट बना सकते हैं क्योंकि ये ही प्रैक्टिकल रूट है। अगर आप बोलेंगे कि मैं होचीमिन जाऊंगा, होचीमिन से वापस आऊंगा, तो फिर आपको ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी क्योंकि आपको वापस घूम के होचीमिन आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करिए, आप एंट्री करिए एक सिटी से और एग्जिट करिए दूसरी मेजर सिटी से। इससे क्या होगा, आप नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, आपको वापस उस जगह नहीं जाना पड़ेगा। और अपने वीज़ा फॉर्म में भी आपको वैसे ही भरना है, यानी कि आपने अगर पोर्ट ऑफ एंट्री हनोई भरा है तो आप हनोई से ही आ सकते हैं, होचीमिन भरा है तो होचीमिन से आ सकते हैं, वैसे ही एग्जिट के लिए जो भरा है वहीं से जा सकते हैं। तो हमने जैसे किया था, हम लोग मुंबई से होचीमिन गए थे, हमारा पोर्ट ऑफ एंट्री होचीमिन था। होचीमिन से हम लोग गए सेंट्रल वियतनाम यानी कि दनांग और होयान, उसके बाद हम लोग गए हनोई, हनोई से फिर हमारी वापस फ्लाइट थी मुंबई की। तो इस तरह से हमने रूट बनाया था, यानी कि अपने को रिपीट नहीं करना पड़ा सिटी को, इस तरह से हमारा टाइम भी बचा और कॉस्ट भी बची। तो फ्लाइट, ये हो गया फ्लाइट का, वीज़ा का। अब अगली बात करते हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। वियतनाम बहुत बड़ी कंट्री है, होचीमिन और हनोई में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 2000 के आसपास रहेगा, तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रांसपोर्ट भी प्लान करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले ही प्लान कर लिया था, हमने अपना आइटनरी पहले प्रिपेयर किया था कि हम होचीमिन में 2 दिन रहेंगे, फिर दनांग में रहेंगे, दनांग में होयान में रहेंगे, फिर हनोई जाएंगे, हनोई से वापस। अब भैया, होचीमिन से दनांग कैसे पहुंचना है और दनांग से हनोई कैसे पहुंचना है, ये सब दूर दूर हैं, यानी कि 700-800 किलोमीटर दूर या फिर 1000 किलोमीटर दूर, तो पहुँचना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या किया, टाइम बचाने के लिए हमने फ़्लाइट्स बुक किया होचीमिन से दनांग और फिर दनांग से दोबारा हनोई। तो फ्लाइट, अब इंटरनल फ्लाइट्स की आपको बात करूं तो अगर आप एडवांस में बुक करेंगे तो तकरीबन आपको 3000 तक मिल जाएंगी, 3000 की आपको इंटरनल फ्लाइट्स मिल जाएगी। तो ये हमारी फ़्लाइट्स होगी 2, 3 और 3, 6000 पर पर्सन, यानी कि 2 जन की 12000। हमने थोड़ा बाद में किया था तो 3000 से थोड़ा ऊपर पड़ी, लेकिन अभी जैसे मैंने सर्च किया था 2 महीने पहले का, तो 3000 भी मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्रेन, ट्रेन का जैसे सेकेंड क्लास का जो फेयर रहता है वो अराउंड 2000 रहेगा, मतलब नॉट होचीमिन टू हनोई बट होचीमिन टू जैसे दनांग हो गया, होयान या फिर, तो वैसा सेंट्रल वियतनाम जाने का। तो ट्रेन थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती मिलेगी, तो आप वैसे प्लान कर सकते हैं कि ओवरनाइट अगर ट्रेन मिल रही है तो वो कर सकते हैं, जिससे आपका होटल का भी खर्चा बच जाएगा। और बसेस का किराया रहता है अराउंड 1200-1300। तो ये आपका इंटरसिटी का अभी हमने बात कर ली। अब इंटरसिटी के बाद हम लोग बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। तो लोकल ट्रांसपोर्ट यानी कि विद इन सिटी। तो विद इन सिटी में क्या है, वियतनाम जो है उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ टैक्सी वैक्सी चलती है, जैसे कि ग्रैब हो गया, उबर हो गया, चलता है। लेकिन जो बेस्ट है वो है स्कूटी। स्कूटी आप रेंट कर लीजिए और बिंदास होकर वियतनाम में घूमिए। और स्कूटी का जो रेंट आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 300-500, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ से आप ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोगों ने होयान में लिया था, होयान में मतलब थोड़ा अंदर था, मेन सिटी नहीं था, तो थोड़ा महंगा मिला, 450-400। लेकिन वही हमने दनांग मेन सिटी से लिया तो 300 में भी पड़ गया। जितना हम सिटी की तरफ से बाइक ले रहे हैं उतना सस्ता पड़ रहा है, तो वो डिपेंडिंग है कि आप कहाँ से ले रहे हो, बट ये रेंज है 300 से 500 की। उसके अलावा बाकी का जो ट्रांसपोर्ट है, ग्रैब, ये उबर, वो भी प्राइस ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है। तो इसका जो टोटल है, यानी कि हमारा जो टोटल था 9 दिन का, स्कूटी लेके, टैक्सी लेके, ये सब जो भी हमने एयरपोर्ट से ट्रांसफ़र किया टू होटल, ये हमको 2 जन का अराउंड पड़ा था, 7 से 8 हज़ार 8 दिन का। करते हैं अब सिम की, यानी कि टूरिस्ट सिम। तो टूरिस्ट सिम भी ज़रूरी रहती है, अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग नहीं ली है तो आपको सिम चाहिए। हम लोगों ने जो सिम ली थी वो ली थी, टू बी प्रिसाइज, 476 रुपीज़ की, जिसकी वैलिडिटी थी 30 डेज और डेटा था उसमें 10 GB। ये हमने लिया था वीनाफोन, वीनाफोन का रिव्यूज़ अच्छा था हमने पढ़ा, हमको डेटा के लिए चाहिए था, कॉलिंग के लिए तो चाहिए नहीं। और ये हमको सस्ता कैसे पड़ा, हमने ये क्लूक से लिया था, बहुत इजी था, हमने क्लूक से बुक किया, डायरेक्शंस वहाँ पे लिखी थी। तो जैसे ही हम होचीमिन में पहुँचे, अराइवल हॉल के अंदर ही, यानी कि एग्जिट करने के पहले ही एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे गए, वहाँ पे वीनाफोन का काउंटर था, उनको वाउचर दिखाया क्लूक का, और विद इन 2-3 मिनट्स हमको वो सिम मिल गई जो कि एक्टिवेटेड थी विदाउट एनी हैजल। तो आप ये क्लूक से ले सकते हैं। तो सिम के बाद बात करते हैं करेंसी की। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, USD कैरी करते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट करने इजी होते हैं। उसके अलावा फॉरेक्स कार्ड हो गया, वो लेके जा सकते हैं। और तीसरा, आप अपना जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास USD थे, और जब हम लोग होचीमिन एयरपोर्ट पहुँचे, हमको टैक्सी लेके अपने होटल जाना था, तो हमारे पास VND नहीं थे, हमने एक्सचेंज नहीं करे थे, हम चाहते नहीं थे क्योंकि एयरपोर्ट पे रेट अच्छा नहीं मिलता है। तो मैंने अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके एक 5 लाख डॉन का नोट विदड्रॉ कर लिया था, यानी कि तकरीबन
इंडियन रुपीज़ में 1500-1600 रुपये। तो यकीन मानिए ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे थे, नॉमिनल चार्जेस लगे थे। तो ये भी एक ऑप्शन है, आप ऐसा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और वियतनाम की जो ऑफिशियल करेंसी है वो मैंने अभी आपको बोला, वो है वियतनामीज डोंग, जिसकी हाईएस्ट डिनोमिनेशन है 5 लाख डोंग, और मिनिमम जो सबसे छोटी है वो है 1000 डोंग का नोट। और अपना और जो उनका कन्वर्जन रेट है वो अराउंड, मैं अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, अराउंड है 300, यानी कि हमारा 1 रुपया उनका 300 डोंग। अभी फ्लाइट हो गई, वीज़ा हो गया, सिम हो गया, करेंसी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन जो है वियतनाम में, यकीन मानिए सस्ता है। सस्ता है मतलब अगर आप सोलो हैं, आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो 500 से 1000 की रेंज में आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। 500 में भी मिल जाएगा, 600 में भी मिल जाएगा। बहुत सारे मैंने सर्च किए थे जब मैं अपना पहला ट्रिप प्लान किया था 2020 में कोविड से पहले, बट जा नहीं पाया था। तो 500-500 में होटल मिल रहे, हॉस्टल 500-500 में हॉस्टल मिल रहे थे, जिसमें आपको एक सिंपल ब्रेड एंड बटर जैसा ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, और शाम को 2 बियर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या बात है। तो लेकिन अभी हम दोनों यानी कि एज अ कपल गए थे, तो हमने होटल बुक किया। होटल की रेंज आपको समवेयर अराउंड 2000 से 3000 के बीच में एक अच्छा डिसेंट होटल मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियोस जाके देखेंगे, हमने होटल्स के भी टूर्स दिए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा होटल मिल जाएगा, क्योंकि हायर एंड की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आपको लग्जरी चाहिए और कंफर्ट चाहिए, अच्छा चाहिए लोकेशन वाइज, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट 2000 से 3000 में आपको एक अच्छा होटल मिल जाएगा फॉर अ कपल, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड होगा। सोलो ट्रैवलर के लिए अगर आप हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, तो 500 से 1000 रुपये का हॉस्टल भी मिल जाएगा, इवन 800-900 का होटल भी मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइवेट रूम भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक और मेजर एक्सपेंस की, यानी कि फूड। अब इतने दिन रहोगे तो फूड का खर्चा तो आएगा ही। तो हमारे जैसे जितने भी होटल थे, सब में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, तो ब्रेकफास्ट की टेंशन नहीं थी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते थे। जो भी हमारा खर्चा था वो लंच और डिनर का था। तो यकीन मानिए खाना वियतनाम में सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। अगर आप लोकल जो वियतनामीज फूड होता है वो ट्राई करना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्ट आपको अराउंड 100 रुपये से 150 रुपये के बीच में आएगी पर मील। लेकिन अगर आप वो नहीं ट्राई करना चाहते, आप कुछ नॉर्मल खाना खाना चाहते हैं, तो उसका भी 600 से 700, ये मैं 2 जन की बात कर रहा हूँ। मैंने जो पहले बोला लोकल वाला, वो 100 से 150 पर पर्सन। अभी हमने जो एक्चुअल किया, हमने लोकल वियतनामीज फूड ट्राई नहीं किया, हमने सिर्फ जाके देखा, प्राइस पता किया था, सो दैट हम इंफॉर्मेशन दे सकें। लेकिन हमने जो खाना खाया, जैसे कि जो एक अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, या फिर मैं बोलूँ जो हम चेन्स रहती हैं, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडीज हो गया, या फिर होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो यकीन मानिए इन सब में हमारा जो ऑन एंड एवरेज प्राइस आता था 2 जन का पर मील का, वो आता था 600 से 800 रुपया। यानी कि जैसे होटल का भी देखिए, ज़्यादा प्राइस नहीं आता था, 600 से 800 रुपया। अब आप और अच्छे लग्जरी फाइन डाइनिंग में जाएंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, लेकिन ये जो एक डिसेंट प्लेस में आप खाना खाना चाहते हैं, तो 600 से 800 पर मील 2 जन का। और अगर आपको इंडियन खाना खाना है वहाँ जाके, तो जैसे हमने एक दिन इंडियन खाना खाया था हनोई में, तो तकरीबन हमारा जो पैसे लगे थे वो 1400 से 1500 लगे थे। यानी कि इंडियन खाना अगर आपको फॉरेन में जाके खाना है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा तो मिलेगा ही। तो हमारा जो 9 दिन का फूड का पैसा लगा, वो टोटल लगा तकरीबन 15000 रुपये 2 जन के। अब फूड के बाद आती है एक और मेन चीज़, ये ऑप्शनल होती है, यानी कि अपनी प्रेफरेंस पे होती है, वो है अट्रैक्शंस, कि आपको कौन कौन से अट्रैक्शंस, कौन कौन से टूर लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। इससे आपका बजट बहुत ज़्यादा हिल सकता है, क्योंकि वियतनाम में जो टूर्स हैं वो थोड़े महंगे हैं। अभी हमने 2-3 महंगे महंगे टूर किए थे, जिससे हमारा बजट थोड़ा सा आगे चला गया, बट हमें लगा कि हम वियतनाम में जा रहे हैं, दोबारा कब जाएंगे पता नहीं, बट अभी जा रहे हैं तो टूर करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छे टूर्स थे। तो मैं बात करता हूँ जैसे कि होचीमिन में सबसे पहले हमने मेकोंग डेल्टा एंड कुची टनल का टूर किया, उसका प्राइस था 4600 पर पर्सन। तो 2 जन का हमें लगा 9200, वो फुल डे का टूर था। फुल डे में हाफ डे कुची टनल का टूर था और हाफ डे मेकोंग डेल्टा का टूर था, और उसमें लंच इंक्लूडेड था। यकीन मानिए वो बहुत अच्छा टूर था, और हमने ये टूर भी क्लूक से बुक किया था। जैसे हम सर्च करते रहते हैं, जैसे कि थ्रिलोफिलिया पे देखा, क्लूक से देखा, या फिर मेक माई ट्रिप पे भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मोस्टली हम लोग क्लूक से लेते हैं। क्लूक से पे हमारा ट्रस्ट है, हमने बहुत बार क्लूक से लिया है, और प्राइस भी थोड़ा कंपेयर करते हैं। अगर थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा भी हो क्लूक पे, तो हम थोड़ा सा पे करके ज़्यादा क्लूक से लेते हैं। तो ये भी हमने क्लूक से लिया था, विदाउट एनी हैजल, बहुत अच्छा टूर ऑर्गेनाइज था, और ये मस्ट विजिट है, या रिकमेंडेड है हमारी तरफ से, कि आप मेकोंग डेल्टा और कुची टनल का टूर करें, कुछ डिफरेंट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरा मेजर टूर हमने जो किया था वो था दनांग में सनवर्ल्ड बाना हिल्स। ये शायद आप सब लोग को पता होगा, ये बहुत फेमस अट्रैक्शन है, जहाँ पे वो ऐसा हैंड वाला गोल्डन ब्रिज है, या फिर जो एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार राइड है, और वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है।
सच बोलूं तो मुझे वो टूर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमें ऐसा एम्यूजमेंट पार्क ये सब बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग ही वाइब्स आता है। तो हम लोग जब वहाँ गए थे तो वी वर लिटरली लाइक बिकम किड्स, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें बाना हिल्स में। बट अनफॉर्चुनेटली उसी दिन हमारी शाम को फ्लाइट थी हनोई के लिए, तो ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाए थे, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। प्राइस उसका क्या था, प्राइस था 2,750 पर पर्सन, यानी कि 5,500 हमारा 2 जन का लगा था। इसमें आपकी एंट्री टिकट थी, यानी कि जब आप बाना हिल्स पहुँचोगे तो आपकी जो लॉन्गेस्ट केबल कार है वो आप राइड लोगे, तकरीबन वो 20-25 मिनट की राइड थी। उससे आप सनवर्ल्ड पहुँचोगे, वहाँ पे आप गोल्डन ब्रिज के लिए जा सकते हो, यानी कि वहाँ पे आप फिर इंटरनल ट्रेन्स भी हैं छोटी छोटी, तो आप या फिर केबल कार भी हैं तो सब स्टेशन जा सकते हो। कुछ कुछ राइड्स भी मिलेंगी आपको, अलग अलग मेजर पॉइंट्स भी हैं, अट्रैक्शन भी, वो सब आप कर सकते हो। एक्सेप्ट कुछ ऐसी राइड्स हैं जो आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जैसे हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट था, हमको मालूम है, तो हमने जो नॉर्मल टिकट है वही लिया था 2,750 का। उसमें हमारे आराम से हमने 6-7 घंटे वहाँ पे स्पेंड किए, ऑल दो हम और कर सकते थे बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने वो टिकट जो बाकी राइड्स वाला था वो नहीं लिया। तो वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो फिर ये भी काफ़ी है, इसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा। लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वियतनाम में नहीं हो, आप कहीं यूरोप में पहुंच गए हो, फ्रांस में पहुंच गए, इतना सुंदर है बनारस। एंड तीसरा मेजर जो हमारा टूर का पैसा लगा वो था हमारा निनबिन का टूर। जब हम हनोई गए, हनोई से हमने डे टूर किया था निनबिन का, उसका प्राइस था 4,900 2 जन का, यानी कि 2,450 रुपये पर पर्सन। ये भी फुल डे टूर था, तो ये भी हमने एज़ यूजल क्लूक से किया था। क्लूक से हमने एडवांस में बुक कर लिया, सेम सेम ट्रीटमेंट था जैसा हमारा मेकोंग डेल्टा वाले टूर का था। गाड़ी हमें पिकअप करने आई, हम लोग टूर किए और वापस हमें होटल में छोड़ा। इट वॉज़ वेल ऑर्गेनाइज, इसमें भी निनबिन का अच्छा टूर ऑर्गेनाइज हो गया था। दोपहर में बुफे लंच था जो कि इंक्लूडेड था, और हम लोग शाम को 6 बजे घर पहुँचे। ये भी एक डिफरेंट टूर था, हमें निनबिन की विलेजेस में हमने साइकिलिंग की, बोटिंग की टैमकॉक में, तो काफ़ी मज़ा आया। तो ये 3 मेजर टूर थे। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि तकरीबन 20,000 रुपया तो हमारा यहीं पे लग गया, यानी कि 10,000 पर पर्सन। तो अगर आप ये टूर नहीं करते हैं तो 10,000 कम कर सकते हैं, या फिर इसमें से कोई एक ही करते हैं या दो ही करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने दिन के लिए वियतनाम जा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी अट्रैक्शंस थी या फिर हमने एक्टिविटीज़ करी जिनकी एंट्री फीस थी, तो वो टोटल एंट्री फीस अमाउंट हमको लगा था 1,500 रुपये 2 जन का, यानी कि पर पर्सन 750 रुपया। तो ये कुल मिला के हमारा खर्चा था। एक छोटा सा खर्चा मैं अभी और लिखवा देता हूँ, जो आप पे डिपेंड करता है आपको लेना कि नहीं, बट हम हमेशा लेते हैं और वो रिकमेंडेड है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम 2 जन का लेके गए थे 10 दिन का, और वो हमने लिया था पॉलिसी बाजार से, रिलायंस का। उसका प्राइस था 1,100 रुपया 2 जन का, पर पर्सन 550। तो ये था टोटल खर्चा एक्टिविटी वाइज हमारा। तो एक एक करके हर चीज़ का मैंने आपको प्राइस बता दिया, तो अभी चलिए फटाफट से इसका टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कितना प्राइस बनता है। तो अभी आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करेंगे तो आपका कम से कम जो पैसा है वो लगेगा 40 से 41 हज़ार रुपया। अगर आप कपल ट्रैवल करना चाहते हैं कम से कम बजट में, तो आपका पैसा आएगा 90 से 91 हज़ार, यानी कि वही सोलो ट्रैवल को डबल कर लो जस्ट, तो उतना पैसा हो गया। और हमने कितना एक्चुअल में खर्च किया, वो था तकरीबन 1,00,000 रुपया। और तीनों के डिफरेंस आपको दिख रहे हैं कि कहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है। तो ये हो गया आपका मिनिमम जो खर्चा हो जाएगा। उसके अलावा जब आप देख रहे होंगे नीचे, मैंने टूर्स और अट्रैक्शन टिकट्स को मैंने, यानी कि एंट्री टिकट्स को मैंने नीचे अलग से रखा है, क्योंकि वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से टूर लेने हैं, आपको कौन सी जगह पे जाना है, यहाँ पे एंट्री टिकट लगेगी या नहीं लगेगी, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हम कौन कौन से टूर के मैंने जैसे बताया, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है, और कौन कौन सी हमने अट्रैक्शन गए जहाँ पर हमारी एंट्री टिकट लगी मेजर, हमने वो भी लिख दिया है। तो अभी आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि वियतनाम जाने के लिए अगर आपको 9-10 दिन का ट्रिप करना है तो कितना पैसा लगेगा, अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं या फिर एक एज अ नॉर्मल कपल थोड़ा कम पैसे में जाना चाहते हैं, या फिर थोड़ा सा नॉर्मल बजट लेके जाना चाहते हैं विद लिटिल बिट कन्वीनियंस आप रखना चाहते हैं, तो ये 3 मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। तो इसी के साथ ये था आज का वीडियो बजट के बारे में। इसके बाद एक वीडियो मैं और डालूंगा अपनी आइटनरी के बारे में, कि हमने अपनी आइटनरी कैसे प्लान की। ब्रॉड तो मैंने आपको बता दिया हमने क्या क्या सिटीज़ कवर की, बट पर डेली बेसिस पे हमने क्या क्या कहाँ जाके कैसे किया, वो आपको मैं एक डिटेल वीडियो उस पर भी एक अगला वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें एनकरेजमेंट मिलती है और अच्छा काम करने की। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।